नमस्कार हिंदी साहित्यवार्ता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ दोस्तों जी आर की तैयारियों के अंतर्गत हम इकाई दो हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और इसमें हमने रामभक्ति काव्य धारा के बाद जो कृष्ण भक्ति काव्यधारा है देखिए उसको भी पढ़ लिया था जो सगुण काव्य है उसको हम पढ़ रहे हैं और सूरदास के बारे में हमने अपने पीछे वाले लेक्चर में विस्तार से डिस्कस कर लिया था जो जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें सूरदास के संबंध में थी वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप प्ले में जाकर उन्हें चेक कर सकते हैं इकाई दो के नाम से जो हमारी प्ले बनी है उसे देख सकते हैं तो इसके अंतर्गत देखिए आज हम पढ़ेंगे सगुण कृष्ण भक्ति जो फिफ्थ पार्ट है हमारा अष्टछाप के जो प्रमुख कवि हैं उनके बारे में और साथ ही साथ थोड़ी सी जानकारी हम कृष्ण काव्य के बारे में और चीज़ें जान लेते हैं जो हमारे पीछे वाले लेक्चर में हमसे कहीं छूट गई थी या जो अन्य चीज़ें हैं कृष्ण काव्य के अंतर्गत वो आज हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं कृष्ण काव्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी सबसे पहले देखिए कि जो अष्टछाप के कवि हैं इसमें कृष्ण भक्ति का जो प्रचार है देखिए ये सबसे पहले कहाँ पर हुआ था ब्रजमंडल में हुआ जहाँ अनेक कृष्ण भक्ति संप्रदाय सक्रिय थे देखिए कृष्ण भक्ति संप्रदाय अलग अलग थे ये हमने पीछे लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि कौन कौन से संप्रदाय थे जैसे आपका हरिदासी संप्रदाय हो गया निम्बारक संप्रदाय हो गया वल्ल -वल जो राधा वल्लभ संप्रदाय हो गया है ना तो ये जो जितने भी संप्रदाय थे इन के जरिए कृष्ण भक्ति का क्या हुआ प्रचार हुआ ब्रजमंडल में ये चीज आपने याद रखनी है ठीक है जिन समर्थ कवियों ने कृष्ण काव्य को एक लोकप्रिय काव्य आंदोलन के रूप में प्रतिष्ठित किया वे सभी वल्लभ संप्रदाय से जुड़े थे तो देखिए मतलब हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति काव्य धारा को किसने समृद्ध किया क्या समर्थ किसने बनाया वो बनाया था वल्लभ संप्रदाय के कवियों ने और वल्लभ संप्रदाय में कौन कौन से कवि हैं वही जो पुष्टि मार्ग के कवि हैं और पुष्टि मार्ग के अंतर्गत जो छाप के कवि आते हैं उनका ही श्रेष्ठ स्थान माना जाता है जिसमें सूरदास जो है सबसे अग्रणी है आपका नंददास है चीत स्वामी है कुंभनदास है तो ये जितने भी कवि आते हैं देखिए कृष्ण भक्त के ये सब के सब किस्से हैं वल्लभ संप्रदाय में हुए हैं ठीक है हो सकता है कई बार आपको इस तरीके से मिलान के लिए आ जाए कि किनका संबंध वल्लभ संप्रदाय से है किनका हरिदास संप्रदाय से है किन का जो है अन्य संप्रदायों से है तो उनके जो प्रमुख कवि हैं उनको आपने याद रखना है हालांकि उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है क्लियर है आगे कहते हैं कि देखिए वल्लभ संप्रदाय का जो साधना मार्ग है वो पुष्टि मार्ग कहलाता है तो देखिए कौन सा मार्ग कहलाता है इनका पुष्टि मार्ग कहलाता है वल्लभ संप्रदाय वालों का लेकिन इनका जो सिद्धांत था देखिए वो कौन सा था वो था इनका द्वैतवाद तो ये दो चीजें हैं ये परीक्षा में पूछी जाती हैं या तो इनका साधना मार्ग या फिर इनका जो सिद्धांत है वो क्या था तो ये है देखिए पुष्टि मार्ग है ना जिसका आधार ग्रंथ क्या है श्री मद्भागवत है और ये चीज भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि श्री मद्भागवत को ही ये क्या मानते हैं कृष्ण भक्त अपना आधार ग्रंथ मानते हैं ये तो होगी बात कि कृष्ण भक्ति का जो प्रचार कहाँ से हुआ उसके बाद कौन ऐसे कवि हुई जिन्होंने कृष्ण भक्ति काव्य को समृद्ध बनाया या वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हुए जो लोग थे उनके द्वारा ये समृद्ध हुआ और लास्ट में इनका जो सम्प्रदाय वल्लभ संप्रदाय का जो सिद्धांत थे या जो साधना मार्ग था वो क्या था ये हमने डिस्कस कर लिया है अब हम देख लेते हैं कुछ और चीज़ देखिए जैसे पुष्टि मार्ग में जो वल्लभाचार्य ने चार कवियों को दीक्षित किया तो यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ से अष्टछाप की एक तरीके से नींव पड़ने लग गई थी क्योंकि पुष्टि मार्ग में ये कह रहे हैं कि पुष्टि मार्ग में वल्भाचार्य ने चार कवियों को दीक्षित किया तो देखिए वल्भाचार्य ने कितने कवियों को दीक्षित किया है चार कवियों को दीक्षित किया कौन कौन से हैं ये हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे ठीक है लेकिन उनके देहावसान के बाद देखिए चार कवियों को विठल नाथ जी ने दीक्षित किया तो ये जो चार प्लस चार दोनों मिलाकर क्या हो गए आठ लोग हो गए इन आठ लोगों के मिलने से ही क्या हो जाता है अच्छा एक तरीके से स्थापना हो जाती है ठीक है और इन्हीं दीक्षित कवियों को मिलाकर विठ्ठल ने पंद्रह में अष्टछाप की स्थापना की तो देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी पंद्रह में और ये किसने की थी विठ्ठल दास जी ने विठलनाथ ने ठीक है इनको गोसाई विठ्ठल के नाम से भी जाना जाता है तो ये महत्वपूर्ण चीज है कि इसमें क्या थे अष्टछाप में वल्भचार्य के शिक्षक शिष्य थे और चार किसके थे विठ्ठल जी के शिष्य थे और इस प्रकार वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख आठ कवियों को मिलाकर अष्ट छाप बन गया ठीक है तो ये चीज है ये परीक्षा में कई बार पूछी जाती है कि कौन से जो है बल्लभाचार्य के शिष्य हैं और कौन से गोसाई विठ्ठल के शिष्य हैं तो ये आपके याद होने चाहिए आपको ठीक है अष्टछाप के कवियों में सर्वप्रमुख सूरदास जी थे उन्हें विठ्ठल ने अष्टछाप का जहाज की संज्ञा से अभिहित किया है तो देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि अष्टाप के कवियों में सर्वप्रमुख कौन थे सूरदास थे और विठ्ठल ने इन्हें क्या कहा है अष्ट का जहाज कहा है तो अष्टाप का जहाज तो पीछे वाले लेक्चर में हमने पढ़ा भी था कि इनकी मृत्यु पर क्या कहा था विठ्ठल जी ने कि पुष्टि मार्ग का जहाज जात है अगर किसी को कुछ लेना है तो वो ले लें ठीक है तो ये तो होगी बात कि अश्छाप कैसे बना अब हम देख लेते हैं कि कौन से जो कवि वल्भाचार्य के शिष्य हुए हैं और कौन से कवि ऐसे हैं जो गुस्साइन विट्ठल जी के शिष्य हैं तो यहाँ पर देखिए विस्तार से हमने रख दिए हैं इनके नाम सबसे पहले अगर हम बात करें देखिए वल्वाचार्य के शिष्य क्योंकि वल्ल क्या थे ये इनके पिता थे विट्ठल जी के ठीक है तो वल्भाचार्य के जो शिष्य हुए हैं तो इनके जो पहले शिष्य माने जाते हैं देखिए ये हैं आपके कुंभासी की और इनका जो जन्म है ये चौदह से पंद्रह तिरासी के आसपास इनकी मृत्यु मानी जाती है ठीक है तो सबसे बड़े इसमें कौन है कुंभ है कई बार इनको क्रमानुसार लिखने को कहा जाता है या कई बार इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा इनमें अच्छा का कवि है या कवि नहीं है इस तरीके से यहाँ से प्रश्न बनता है कई बार क्रमानुसार इनको लगाने को कहा जा सकता है ठीक है तो दूसरे जो कवि हुए हैं देखिए उसके बाद ये हैं सूरदास जी और इनके बारे में हमने विस्तार से पीछे वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि सूरदास जी कौन थे कब इनका जन्म हुआ था और जन्म स्थान ठीक है ये सारी चीज़ें और इनकी प्रसिद्धि का आधार ग्रंथ कौन सा है ये हमने डिस्कस कर लिया था चौदह में इनका जन्म और पंद्रह सौ में इनकी मृत्यु हुई है ठीक है तीसरे जो प्रमुख कवि हैं देखिए जो वल्भाचार्य के शिष्यों में माने जाते हैं वो हैं परमानंद दास जी का और इनका जो वर्ष है देखिए ये चौदह सौ तिरानवे है लेकिन इनके मृत्यु वर्ष मालूम नहीं है ठीक है उसके बाद अगले जो अच्छापी कवि हो कवि हैं वह हैं कृष्णदास जी और ये भी वल्लभाचार्य के शिष्य में गिने जाते हैं चौदह सौ छियानवे में इनका बॉर्न है पंद्रह सौ में इसकी मृत्यु हो गई थी तो देखिए सिस्टमेटिकली और बिल्कुल क्रमानुसार ही मैंने इनको आपके बीच में रखा है तो ये तो होगी वलभाचार्य के शिष्यों की बात कि चार जो शिष्य हैं किसके हैं वोलभाचार्य के हैं और बाद में जो विठल ने क्या किया चार अन्य कवियों को सिलेक्ट करके अच्छा की स्थापना की और अन्य जो कवि हैं देखिए सबसे पहले गोविंद स्वामी हैं और गोविंद स्वामी इनका जन्म 1505 में और पंद्रह में इनकी मृत्यु हुई है तो यहाँ पर देखने वाली एक बात ये है देखिए कि जो भी विठ्ठल के शिष्य थे उनमें से तीन की मृत्यु पंद्रह में ही हुई है ठीक है लेकिन जो नंददास जो सबसे छोटे थे इनका पंद्रह में हुआ है देहापसान ठीक है दूसरे जो कवि हैं देखिए कि हैं छेत स्वामी पंद्रह में इनका जन्म हुआ था और पंद्रह में मृत्यु हुई और चतुर्भुज दास ये कब हैं ये 1530 में और चतुर्भुज दास जो है ये कुंभन के बेटे थे सबसे छोटे बेटे माने जाते हैं ठीक है तो इनका जन्म कब हुआ देखिए 1530 ईस्वी में और आखिर में देखिए सबसे लास्ट में नंददास हैं ये सबसे छोटे माने जाते हैं अच्छा के कवियों में से और इनकी बहुत सारे ग्रंथ हिंदी साहित्य में हमें उपलब्ध होते हैं सूरदास से भी एक तरीके से ज़्यादा ठीक है हालांकि सूरदास के पच्चीस हैं लेकिन उनमें से प्रमाणिक तीन ही हैं जो उपलब्ध हैं और नंददास की बहुत सारी रचनाएँ हमारे सामने हैं जैसे आप देखते हैं कि जिसमें से अनेकार्थ मंजरी मान मंजरी सुदामाचरित रस मंजरी रूप मंजरी इस तरीके की बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं वो हम आगे वाले लेक्चर में विस्तार से जानेंगे आज हम सिंपली सबसे पहले जो अन्य कवि हैं देखिए अच्छाप के उनके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि सूरदास के बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया था तो सूरदास को भी हम नहीं पढ़ेंगे और नंददास को भी नहीं बीच के जो छह कवि हैं उनको हम देखेंगे तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुंभनदास जी के बारे में तो देखिए कुंभनदास जन्म इनका हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि चौदह के आसपास इनका जन्म हुआ है और चौदह में जन्म पंद्रह में इनकी मृत्यु हुई है ठीक है तो ये चीज आपने याद रख लेनी है कि कुंभन का समय किससे सूरदास से पहले का है और ये प्रथम अष्टछाप के कवि हैं क्लियर है इन्होंने जो दीक्षा ग्रहण करने की दीखी कि किससे की थी इन्होंने वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की थी ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था लेकिन कब की थी ये बात यहाँ पर लिखी गई ये दी चौदह सौ बयानवे में इन्होंने किससे दीक्षा ली थी ये ली थी इन्होंने महाप्रभु वल्लभाचार्य से ठीक है और ये गृहस्थ थे और बावजूद इसके कृष्ण भक्ति में लीन रहते थे है ना गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे और ये इधर उधर भागदौड़ वाली जिंदगी से एक तरीके से दूर थे इन्हें ज़्यादा इधर उधर जाना पसंद नहीं था और इन्हें कीर्तन गाय गायन का दायित्व तो दिया गया था देखिए क्यों इनको कीर्तन गाय गायन का दायित्व तो दिया गया था क्योंकि इनका जो कंठ है वो बहुत ही सुरीला माना जाता था ठीक है और की यह है कि, कि किसी गायक ने एक बार उनका कोई सुंदर पद बादशाह अकबर को सुनाया और जिसे सुनने के बाद वो इतने मुग्ध हुए कि उन्होंने उस पद के रचयिता से ही पद सुनना चाहा और कुंभनदासी को ही सीकरी आने का निमंत्रण दिया था ठीक है और तभी उन्होंने ये पंक्तियां कह डाली थी कि संतन को कहा सीकरी सो काम आवत जावत पनहिया टूटी बिसरी गयो हरिनाम और ये वाली पंक्तियां बहुत बार परीक्षा में पूछी जाती हैं इनको आपने याद रखना रखना है और ये किसको कही थी इन्होंने बादशाह अकबर को इन्होंने सुनाया था क्यों सुनाया था कि मेरा इतना जो आते आते मेरी हालत एक तरीके से ख़राब हो गई लेकिन यहाँ पर मुझे मुझे कुछ भी एक तरीके से आनंद नहीं आया वो एक तरीके से विरक्त भाव से सीकरी चले गए है ना लेकिन उन्होंने सम्राट के समक्ष जो पद गाकर सुनाया वह भी उनके अनासक्त भाव का ही क्या माना जाता है सूचक माना जाता है कि उन्हें उनसे कोई लेना देना नहीं था लेकिन अकबर देखिए उसकी इस भगवत भक्ति या इस प्रभु की भक्ति से क्या हुए बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अनुरोध किया कि वे कुछ मांग लें लेकिन उन्होंने क्या किया सबसे पहले यही इच्छा प्रकट की कि मुझे दोबारा अब कभी भी सीकरी मत बुलाना ठीक है तो इसी के चलते उन्होंने ये चीज़ें कही हैं ठीक है तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कुंभन दास के संबंध में थी जो मैंने आपके बीच में रख दी हैं है ना तो इतना ही है कुंभन दास के बारे में जो जानकारी उपलब्ध है आगे अब हम देख लेते हैं जो दूसरे अच्छाप के कवि हैं देखिए ये हैं परमानंद दास तो देखिए परमानंद दास का जन्म मैंने पहले भी बता दिया कि चौदह सौ में हुआ मृत्यु का कोई इनका साक्ष्य नहीं मिलता है ये कनौज के कान्यकुज कान्यकुज ब्राह्मण थे और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किया तो यहाँ पर देखिए जो पहले वाले थे कुंभन दास जी थे वो पूरी तरह से क्या थे गृहस्थ थे और उनका परिवार भी बड़ा था और मैंने बता भी दिया कि चतुर्भुज दास जो है उनके सातवें पुत्र थे सबसे छोटे पुत्र थे लेकिन जो परमानंद दास हैं देखिए इन्होंने क्या किया गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किया लेकिन इन्होंने जो दीक्षा ग्रहण करने का स्थान रखा देखिए वो कौन सा था अरेल कई जगह ये अरेला भी है और कई जगह अरेल भी आपको मिलेगा तो दीक्षा ग्रहण करने का इनका जो स्थान है देखिए ये था अरेल प्रयाग में वहां पर इन्होंने दीक्षा ग्रहण की फलभा आचार्य जी से ठीक है एंड उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं देखिए परमानंद सागर परमानंद के पद वल्लभ संप्रदाय कीर्तन पद संग्रह दान लीला ध्रुव चरत इत्यादि तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं है ना तो इनको भी हो सकता है पूछ लिया जाए लेकिन अच्छाप के कवियों की रचनाएं जो हैं वो बहुत कम है क्योंकि इन इनकी जो अधिकतर रचनाएं हैं देखिए ये कैसी हैं ये एक तरीके से इनको इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि ये परीक्षा में पूछी जाए आगे ये कहते हैं कि ईश्वरीय पक्ष का वर्णन न करके केवल माधुर्य पक्ष की लीलाओं का गान ही परमानंद दास जी ने अपने साहित्य में किया है तो इन्होंने क्या किया कि ईश्वरीय जो पक्ष है कृष्ण का उसका वनन न करके माधुर्य पक्ष की लीलाओं का वनन किया है खासकर बाल लीला विषयक ही इन्होंने क्या किया है ज़्यादातर रचनाएं रची हैं ठीक है, है? जिसमें बाल लीला का बाल लीलाओं का वर्णन मिलता है ठीक है और इसी के चलते देखिए बाल मनोविज्ञान के सुंदर चित्र इनके काव्य में जो है प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं ऐसा कहा जाता है ठीक है इनकी जो प्रमुख पंक्तियां हैं देखिए वो हैं जब ते प्रीति शाम ते की नहीं तादिन ते मेरे इन नैनन ने कहूँ नींदी तो स्त्री की जो पंक्तियां हैं देखिए ये पंक्तियां कई बार परीक्षा में पूछी जाती है कुंभन दास से रिलेटेड जो उनकी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं उनको पूछा जाता है लेकिन इसके अलावा अन्य भी उनकी जो कुछ पंक्तियां आपको कहीं भी मिलती हैं उनको आप जरूर पढ़ डालिएगा क्योंकि परीक्षा में इनकी पंक्तियां ही ज्यादातर पूछी जाती है रचनाओं की अपेक्षा या फिर कौन से कवि आपके अच्छाप में हैं कौन से नहीं है इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है यहाँ पर मैंने परमानंद दास जी की जो प्रमुख पंक्तियाँ हैं वो रखती हैं क्लियर है चलिए आगे अब हम देख लेते हैं जो तीसरे महत्वपूर्ण कवि हुए हैं अच्छाप के देखिए जो आखिरी हैं किसके वल्लचार्य के शिष्यों में से तो ये नाम है कृष्णदास जी का तो कृष्णदास चौदह सौ छियानवे से लेकर के पंद्रह सौ अठहत्तर तक इनका समय माना जाता है और इनकी सबसे प्रमुख जो बात है देखिए ये अधिकारी के नाम से विख्यात थे तो देखिए अधिकारी के नाम से ये विख्यात क्यों थे क्योंकि ये भक्त कवि के अलावा क्या है कवि के अलावा इनको ज़्यादा व्यवस्थापक माना जाता था एक तरीके से ये पूरे प्रबंधक के रूप में कार्य करते थे श्रीनाथ मंदिर में इसीलिए इनको अधिकारी के नाम से जाना जाता रहा है लेकिन जन्मना ये जन्म से क्या थे ये शूद्र थे ठीक है निम्न जाति से थे है ना लेकिन बावजूद उसके ये क्या थे प्रिय थे किसको वल्लभाचार्य जी को और इनको इनकी प्रबंध में प्रवीणता के कारण ही इनको अधिकारी के रूप में जाना जाता है या इनको जो जो भी व्यवस्था से रिलेटेड चीज़ें होती थी वो इनको सारा सिस्टम संभालने के लिए दे दिया जाता था ठीक है तो हो सकता है इस तरीके से प्रश्न पूछा जाए कि अच्छा में अधिकारी के नाम से कौन विख्यात हैं तो वो कृष्णदास जी हैं ठीक है इन्होंने दीक्षा स्थल और समय देखिए इनका कब है दीक्षा इन्होंने बलबारे से ली है और विश्राम घाट यहाँ पंद्रह ईस्वी में यहाँ से इन्होंने क्या किया है दीक्षा प्राप्त की है ना क्लियर है तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है हो सकता है परीक्षा में इनके जो प्रमुख स्थल हैं इनसे रिलेटेड वो पूछे जाएं मिलान करने के लिए ये ऐसे पूछा जाता है तो वो चीज़ें आपने याद रखनी है इनके जो प्रमुख रचनाएं हैं देखिए जुगलमान चरित्र भ्रमर गीत प्रेम तत्व निरूपण तो ये कुछ एक महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं ये भी आपको याद होनी चाहिए जुगलमान चरित्र भ्रमरगीत प्रेम तत्व निरूपण ठीक है देखिए विठल से मनमुटाव होने के बाद महाराज बीरबल द्वारा बंदी बनाया गया ठीक है तो कृष्णदास के साथ देखिए जो विट्ठलनाथ थे जब कहा ये जाता है कि जब उनकी मृत्यु हो गई थी बलभाचार्य जी की तो उसके पश्चात इनका जो विट्ठलनाथ के साथ कुछ मन मुटाव हो गया था और उन्होंने क्या कर दिया था जो महाराज बीरबल थे उनके साथ विट्ठलनाथ के सही संबंध थे अच्छे संबंध थे और उन्होंने जो आपके कृष्णदास थे देखिए उनको बंदी बना लिया था उनको जेल कर लिया था कैदखाने में बंद कर लिया गया था लेकिन बाद में ये भी माना जाता है कि उन्हों उन उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने उसको बाहर निकाल दिया था कृष्णदास ही को ठीक है तो ये चीज़ भी कृष्णदास के संबंध में बताई जाती है आगे देखिए कुआं बनवाते हुए उसी में गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी ये भी ऐसा कहा जाता है ये कि विदंती है कि जो आपके कृष्णदास हैं देखिए है, जीवन के अंतिम दिनों में ये क्या कर रहे थे मतलब एक कुआं बना रहे थे और लास्ट में उनकी मृत्यु भी उसी में गिरकर 1578 में हो गई थी तो प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कुएं में गिरकर किसकी मृत्यु हुई थी अश्चाप के कवियों में से ठीक है तो ये भी कृष्णदास जी हैं चलिए आगे अब हम देख लेते हैं जो चौथे कवि हैं देखिए ये हैं गोविंद स्वामी और गोविंद स्वामी का जन्म पंद्रह पाँच से लेकर के पंद्रह सौ पचासी ईस्वी तक माना जाता है कि इनका समय रहा है और ये किसके शिष्य थे ये थे आपके विट्ठल जी के शिष्य विट्ठलनाथ जी के शिष्य हमें पहले नंबर पर किया जाते हैं क्योंकि इनका जो जन्म स्थान जन्म वर्ष देखिए वो पंद्रह है लेकिन इस इनके बाद जो कभी आएंगे है ना जो चित स्वामी हैं देखिए उनका पंद्रह में पंद्रह में जन्म हुआ है ठीक है नेक्स्ट चीज है देखिए कि दीक्षा ग्रहण करने का जो इनका समय रहा वो 1535 में रहा और विठल से इन्होंने शिक्षा ली थी ठीक है 1535 में अगर हम इनके रचना काल की बात करें तो इनका जो रचना काल है देखिए 1543 से पंद्रह ईस्वी तक इनका रचना काल माना जाता है और इनके जो पदों का संकलन है देखिए वो किस नाम से है गोविंद स्वामी के पद नाम से प्रसिद्ध है तो देखिए इनके जो पदों का संकलन है वो इनके नाम से ही है ज्यादा कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं होनी चाहिए कि इनकी जो रचनाएं हैं वो कहाँ पर संकलित हैं गोविंद स्वामी के पद नाम से प्रसिद्ध हैं ठीक है और एक चीज़ महत्वपूर्ण ये है इनसे इनके संबंध में कि जब इनको संसार से वैराग्य हो गया था तो उसके बाद ये ब्रजमंडल के महावन नामक स्थान में आकर बस गए थे तो ये चीज़ आपने याद रखनी है तो इनका जो स्थान है देखिए इस स्थान से इनका संबंध था महावन है ना ब्रजमंडल के नजदीक महावन ठीक है तो इसको भी आपने याद रख लेना है कि इनका संबंध किस जगह से था महावन नामक स्थान में आकर के ये बस गए थे और वहीं पर ये क्या थे कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे लेकिन अगर इनके जन्म स्थान की बात की जाए तो ये राजस्थान में इनका जन्म हुआ था भरतपुर राज्य में है ना और वहाँ के आंतरी गांव में हुआ था इनका जन्म ये चीज़ भी आपने याद रखनी है कि आंतरी में इनका जन्म हुआ फिर उसके बाद जब वैराग्य हो गया तो महावन चले गए और महावन के पश्चात इनका जो निवास स्थान बाद में बना देखिए वो बना गोविंद स्वामी की कदमखंडी के नाम से प्रसिद्ध है तो इस जगह को भी आपने याद रखना है कि भजन कीर्तन के लिए ये कुछ समय समय पर लिखते थे और उन्हीं का संकलन ये किस पर करते थे गोविंद स्वामी के पदों पर करते थे ये चीज़ भी किसके बारे में है गोविंद स्वामी के बारे में है लेकिन इनका जो निवास स्थान बाद में बना वो बना गोविंद स्वामी की कदम खंडी नाम से प्रसिद्ध हुआ और इनके बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ें देखिए ये है कि तानसेन इनसे संगीत गायन की शिक्षा ग्रहण करते थे तो तानसेन कौन थे देखिए ये थे आपके जो अकबर के नवरत्नों में से एक ठीक है ये चीज़ भी आपको मालूम होनी चाहिए और तानसेन इन्होंने इनसे क्या करते थे शिक्षा ग्रहण करते थे मतलब उन इनका शिष्यत्व तो प्राप्त किया उन्होंने क्लियर है तो ये थी गोविंद स्वामी के बारे में कुछ एक महत्वपूर्ण चीज़ें अब हम देख लेते हैं आज के जो अगले अष्छापी कवि हैं देखिए वह हैं छीत स्वामी तो इनका जन्म पंद्रह सौ पंद्रह से पंद्रह सौ पचास ईस्वी में मृत्यु हूँ और ये दो चीज़ें हैं इनको आपने याद रखना है और बीरबल के ये पुरोहित थे और प्रारंभ में बहुत ही उदंड प्रवृत्ति के ये माने जाते हैं तो दो चीजें हैं पहले तो है बीरबल के पुरोहित प्रारंभ में क्या थे उदंड थे और कहा यह जाता है कि ये ये प्रारंभ में में जितने उदंड थे थे उतने ही विनम्र बाद में हो गए जब इन्होंने किससे दीक्षा ली थी आपके विठल जी से दीक्षा ली थी और कि ये है कि एक बार इन्होंने क्या कर दिया था कि ठिठोली कर बैठे थे ये किससे विठल जी से और विठल जी ने जब इनका भ्रम दूर किया तो उसके पश्चात ही ये इनके शिष्य बन गए थे है ना और इस तरीके से इनकी जो एक चतुराई थी उसको देख कर जी ने इन्होंने इनको क्या कर दिया था अच्छाप के कवियों में शामिल कर लिया था अगर क्षेत्र विशेष से संबंध किस क्षेत्र से था देखिए तो वो था गोवर्धन पर्वत के निकट पुंछरी नामक स्थान से तो ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है इस जगह को आप याद कर लीजिएगा कि पूंछरी नामक स्थान से किसका संबंध था तो ये था छीत स्वामी का है ना मिलान के लिए आ, आ सकते हैं आपको ये स्थान इनके तो ये बहुत ज़रूरी है इससे पहले मैंने गोविंद स्वामी का आपको बताया था कि वो कहाँ थे कहाँ के थे राजस्थान के भरतपुर राज्य के अंतर्गत जो आंतरी गाँव आता है है ना वहाँ पर उनका जन्म हुआ था ठीक है लेकिन बाद में वो कहाँ रहने चले गए थे विरक्ति होने पर महावन चले गए थे और बाद में जो दूसरा उनका निवास स्थान बना देखिए उसका नाम क्या दिया था वो दिया था गोविंद स्वामी की कदमखंडी ठीक है लेकिन जो छीत स्वामी है इनका जो स्थान माना जाता है जो विशेष वह है पूंछरी नामक स्थान ठीक है और वहाँ पर वो एक तमाल के वृक्ष की छाया में रहने लगे थे ये चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए है ना देखा आपने देखा होगा अभी पीछे वाले जो यू नेट की परीक्षा हुई थी वहाँ पर ये पूछा था कि आपके जो भवानी प्रसाद मिश्र हैं उन्होंने जो सतपुड़ा के जंगल में देखी है वो किस किस की वर्णन किया गया था ठीक है तो वैसे ही यहाँ पर भी प्रश्न बन सकता है कि किस वृक्ष के नीचे वो रहते थे या गायन करते थे है ना तो वो है तमाल के वृक्ष क्लियर है आगे है देखिए इनकी जो प्रमुख रचना है वो पदावली के नाम से है और पदावली के नाम से किसकी लिए विद्यापति की रचना भी मिलती है और पदावली से ही क्या माना जाता है जो आधुनिक भाषा में कृष्ण काव्य की पद्धति का आरंभ वहीं से माना जाता है लेकिन ये पदावली की रचना किसने की है ये आपके छीत स्वामी की ठीक है और इसमें दो सौ पद संकलित हैं क्लियर है हो गया इतना आगे अब हम देख लेते हैं देखिए आज के जो आखिरी कवि हैं वो हैं चतुर्भुज दास तो देखिए चतुर्भुज दास पंद्रह सौ तीस और पंद्रह सौ पचासी के बीच का इनका समय माना जाता है और ये कुंभन दास के सबसे छोटे पुत्र हैं ये बात भी हमने पहले ही डिस्कस कर ली थी कि सबसे छोटे पुत्र थे किस के कितने थे सात पुत्र थे बहुत बड़ा परिवार माना जाता है उनका है ना सबसे छोटे चतुर्भुजदास गोवर्धन के समीप जमुनावती गांव में रहते थे तो देखिए इनके संबंध में ये कहा जाता है कि ये कहाँ पर रहते थे जमुनावती गांव में रहते थे अगर हम प्रमुख ग्रंथों की बात करें तो द्वादश यश भक्ति प्रताप हित जू को मंगल ये किसने माने देखिए ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं कि ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं लेकिन डॉक्टर नगेंद्र देखिए बाद में क्या कहते हैं कि ये जो ग्रंथ ऊपर बता दिए गए हैं जो शुक्ल के अनुसार हैं वो ये कहते हैं कि ये किसके हैं देखिए उन्होंने माना है जितने भी जो ये ग्रंथ चाहे आपका द्वादश यश हो भक्ति प्रताप हो हित हो मंगल हो तो ये कहते हैं कि जो अन्य ग्रंथ जो बताए जाते हैं वे इनके ना होकर मतलब कि चतुर्भुज दास के ना होकर किसके हैं राधा वल्भ्य तथा अन्य चतुर्भुज दास के हैं कोई अन्य व्यक्ति है चतुर्भुज उनकी ये रचनाएं हैं इसकी नहीं है लेकिन आचार्य शुक्ल ये मानते हैं कि ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं ठीक है आगे है देखिए कि जो नगेंद्र मानते हैं कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं तो वो मानते हैं चतुर्भुज कीर्तन संग्रह कीर्तनावली और दान लीला ये मानते हैं डॉक्टर नगेंद्र कि ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं तो जो जो रचनाएं शुक्ल और नगेंद्र के अनुसार थी वो मैंने आपके बीच में रख दी है इनमें से अगर कुछ भी पूछा जाए तो आप उसको इस तरीके से ही याद रखिएगा कि शुक्ल ने मानी है ऊपर वाली तीन और डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं नीचे वाली तीन क्लियर है तो ये कुछ एक महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो अच्छाप कवियों के संबंध में थी और इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी अगर हो सकती हैं तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं फिलहाल आज के लिए हम इतना ही करेंगे आगे आने वाले लेक्चर में हम जो नंददास जी हैं जो अच्छाप के कवियों में सबसे छोटे और समृद्ध कवि माने जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और कृष्ण काव्य के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें बची होंगी उनको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें तो फिर मिलेंगे नई ऊर्जा और नई स्फूर्ति के साथ तब तक के लिए शुक्रिया जय हिंद